सालन खाते वक्त नाखून जो है वो शोरबे के अंदर डूब जाते हैं तो क्या ये खाना भी मकरूह होगा। तो असल में नाखून के अंदर अगर वाकई में मेल भरा हुआ है या ज़्यादा बड़े नाखून हैं तो सबसे पहले उनकी सफाई का एहतमाम करना चाहिए। और क्योंकि खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लिए जाते हैं, तो अगर हाथ धो लिए गए हैं तो फिर सालन में डूबते हैं तो उससे मकरूह नहीं होगा, लेकिन जितना बचाने की कोशिश की जाए बचाना चाहिए। और अगर नाखून कटे हुए हैं, मेल वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा हर्ज नहीं है, चावल खाते हुए तो नाखून टच होते ही हैं। और अगर हाथ धोए बग़ैर या बेवजू खाने बैठ गए, हाथ वगैरह नहीं धोए और फिर सालन में डूबते हैं, तो ज़रूर फिर ये सालन जो है वो मकरूह होगा और मकरूह सालन का खाना पीना होगा। तो इसलिए खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। अब अपनी जरूरत के लिए आसान वजीफा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें wazifa.sms.farsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे।